नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धन सन्मार्ग। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और वायु की तरह ही मिथुन राशि में भी फैलाव है, विस्तार है और साथ ही साथ मिथुन वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके ऐसी राशि है मिथुन राशि। और मिथुन वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनि होता है। मिथुन वाले की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और 90% जो मिथुन वाले लोग होते हैं आकर्षण लिए होते हैं। इनके नयन आकर्षण पैदा करते हैं, हाजिर जवाब बहुत होते हैं, सही समय पर सही जवाब देना, एकदम सटीक जवाब देना, ऐसे होते हैं मिथुन वाले। चंचल होते हैं पर एकदम से परफेक्ट। इनकी एक कमजोरी भी होती है और वो है कन्फ्यूजन की। अक्सर दो रास्ते पर कंफ्यूज हो जाते हैं, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, दुविधा वाली स्थिति, लापरवाही भी होती है। लेकिन हम आज बात करेंगे आपके 10 ऐसे बातों के बारे में। वैसे ये बातें भी आपको शायद पता नहीं होगी जो हमने कहा, अब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो पता चलेगा। और जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना आपको खास बनाता है। फालतू कार्य में आप जल्दी उलझते नहीं हैं। मिथुन राशि वालों को धन अपनी शर्तों पे चाहिए। इनको धन भी चाहिए और धन कमाते भी हैं, लेकिन बचा पाना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हालांकि मिथुन वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कभी कभी सनकी भी हो जाते हैं और इस राशि के लोगों को वायु तत्व की समस्या ज़्यादा होती है, जैसे भ्रम की समस्या, दुविधा की समस्या, सांस की समस्या, इन सभी चीज़ों की समस्या को से आपको बचना चाहिए। हालांकि धन थोड़ी कठिनाई से मिलती है लेकिन शोहरत आसानी से मिलती है क्योंकि ये धन कमाने के मामले में कभी कभी लापरवाह भी हो जाते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े तुक मिजाज होते हैं। इस वजह से इनके शत्रु भी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन शत्रुता बहुत दिनों तक नहीं चलती, कोशिश करके समाप्त कर ही लेते हैं क्योंकि बुध की राशि है तो थोड़ी बुद्धिमानी तो यहाँ है। एक कमजोरी भी होती है कि ये बुद्धिमान तो सच में होते हैं पर अपने आप को बुद्धिमान समझने के चक्कर में दूसरों की कभी कभी कमियाँ निकाल लेते हैं। मंगल मिथुन राशि वालों के लिए इनकम का मालिक होता है। आपके पास पैसे कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये बात मंगल ही बताता है। और मिथुन राशि वालों को की अर्निंग कैसी होगी, आय और ऋण और कर्जे, ये सभी चीज़ों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। और यहाँ पर मंगल संतुलन भी बनाता है, बैलेंस बनाता है। और आपको हर मंगलवार के दिन मीठी चीज़ का दान करना चाहिए ताकि पैसे रेगुलर आता रहे और पैसे का खर्च ज़्यादा ना हो, पैसे की बर्बादी ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा कर्जे में ना पड़ जाएं। तो आप हर मंगलवार को मीठी चीज़ का दान करें, वरना आपके लिए कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है और ये चीज़ें अगर करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं सफलता आसानी से मिल जाता है। मिथुन राशि के लिए शुक्र और शनि दोनों ही प्लेनेट आपके व्यापार को डिसाइड करते हैं। शुक्र और शनि बताते हैं कि आपके लिए कौन सा व्यवसाय करना अच्छा होगा, और रसायन का व्यवसाय, पेट्रोल का व्यवसाय, पेंट का, सुगंध का व्यवसाय करना आपके लिए अमूमन अच्छा होता है। केमिकल का व्यवसाय करना भी आपको फायदे देता है। और व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी डालकर जल अर्पित करें, आपको व्यापार में सफलताएं मिलती चली जाएंगी। तो हमने आपसे आज कुछ चीज़ें साझा की। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।